नमस्कार दोस्तों, आज शेयर कर रही हूँ फिश करी रेसिपी, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए फिर आज की मज़ेदार रेसिपी बनाते हैं। यहाँ पे हम लेंगे बेसन। हमने यहाँ पे बेसन 2 चम्मच बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने मिर्ची पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच नमक। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी तरह हमें मिक्स कर लेना है सभी मसाले को। हमारा जो मसाला एकदम मिक्स हो चुका है, अभी इसको रखेंगे साइड में। यहाँ पे मैंने रोहू फिश ली है। इस फिश को मैंने 2-4 पानी से वॉश किया हुआ है। इस फिश कम से कम 1 किलो फिश है, इसको रखेंगे हम साइड में। यहाँ पे मैंने थाली ली है, जो हमने बेसन का मसाला बना के रखा था, इस थाली में डालेंगे। यहाँ पे लेना है 1 फिश। इस बेसन को इसी तरह हमें बेसन लगा लेना है फिश के ऊपर। सभी फिश को हम बेसन लगाएंगे। गैस पे मैंने ऑयल रखा है गरम करने के लिए, और हमारा ऑयल एकदम गरम हो चुका है। ऑयल में डालेंगे, फिर से हम दूसरा भी लेंगे। इसी तरह हमें बेसन लगाना है, सभी फिश को हमें इसी तरह बेसन लगाना है। और इसमें डालेंगे फिर से ऑयल में। गैस का जो फ्लेम है एकदम मीडियम में रखेंगे। हमें कम आंच पे ही फिश को पका लेना है। कम से कम फिश को ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। हमें ऑयल कम ही इस्तेमाल करना है, ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। हम कम ही ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। हमारा जो एक साइड का भाग पक चुका है, दूसरा साइड का भाग भी हम इसको पकाएंगे। हमारा जो 2 मिनट हो चुके हैं, हमारा जो फिश है एकदम पक चुके हैं। अभी इसको एक एक करके हम सभी फिश को निकालेंगे। हमारा जो फिश एकदम बनकर तैयार हो चुका है, फ्राई हो चुका है। इसी तरह हमें सभी फिश को फ्राई कर लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया एक कढ़ाई, फिश का ऑयल बचा हुआ था वही ऑयल लेना है। यहाँ पे मैंने खड़े मसाले में लौंग, मिरी, बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 1 टीस्पून जीरा। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिया है, और प्याज को मैंने अच्छे से बारीक किया हुआ है। और इसमें डालेंगे कुछ करी पत्ते। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और 2 मिनट के लिए इसको पका लेना है। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें डालेंगे 2 टमाटर। मैंने टमाटरों को बारीक किया हुआ है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी डाल सकते हैं। आप टमाटर की जगह दही भी डाल सकते हैं, दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे मैंने मसाले में लिया है 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, और स्वाद अनुसार नमक। सभी मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। और इस मसाले को कम से कम हमें इसको भी 2 मिनट के लिए पकाना है। इसी तरह हमें लगातार इसको पका लेना है 2 मिनट के लिए। हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें डालेंगे पानी। आप पानी का इस्तेमाल कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर चावल खाते हैं तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, और रोटी खाते हैं तो कम ही करें। हमें इसको ढक्कन लगाना है, और इसको उबलने तक हमें इसको पका लेना है। हमारे जो सब्ज़ी में उबल आ चुका है, अभी जो हमने फिश फ्राई करके रखा है वो इसमें डालेंगे। इसी तरह हमें डाल लेना है, और इसको भी हम कम से कम 5 मिनट फिश को पकाएंगे। इसको भी ढक्कन लगाएंगे और फिश को पका लेना है 5 मिनट। हमारा जो फिश करी एकदम बनकर तैयार हो चुकी है। अभी धनिया डाल के हम क्या करेंगे, इसको गर्मा गर्म सर्वे करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। ओके, बाय।